देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत में हिंदुओं ने 1947 में विभाजन की भयंकर विभीषिका झेली है। इस दौरान विधर्मियों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। अतः असमय मृत्यु का शिकार हुए लाखों हिंदुओं की आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण अनुष्ठान किया जाना चाहिए। इसी के साथ विगत 1400 वर्षों में मारे गए निर्दोष हिंदुओं के आत्मशक्ति हेतु हिंद रक्षक संगठन एवं अयोध्या फाउंडेशन द्वारा 15 अगस्त 2023 मंगलवार को श्राद्ध संकल्प दिवस मनाया गया। भाजपा महिला मोर्चा वार्ड 67 की अध्यक्ष सपना हटकर ने बताया कि इस दौरान हिंद रक्षक संगठन के संस्थापक ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह गौड़ लखन दादा को नमन करते हुए शाम को वार्ड 67 बालदा कॉलोनी मेन रोड पर भारत माता की आरती के पश्चात श्रद्धा संकल्प लिया गया। उपस्थित लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत माता एवं वंदे मातरम के जयकारे लगाने के बाद आगामी सर्वपित्र अमावस्या को मारे गए निर्दोष हिंदुओं की आत्मा शांति के लिए अपने अपने घरों में श्राद्ध तर्पण अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा महाराणा प्रताप मंडल के अध्यक्ष रामबाबू राठौर, भाजपा वार्ड क्रमांक 67 के अध्यक्ष छोटू परमार, शहीद भगत सिंह मंडल के महामंत्री अंशुल शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता पूर्व एल्डरमैन बंसीलाल चौरसिया, स्वदेशी जागरण मंच के वरिष्ठ सुदेश बिचौलिया, वार्ड सहसंयोजक मनीष सोलंकी, महिला मोर्चा वार्ड संयोजक श्रीमती सपना हटकर, राहुल यादव, ऋतिक बंसले, पप्पू राव, कनिष्क लिंगायते, मंजू यादव, सीता हटकर, रूपाली बड़ोदिया, गायत्री बेतव, प्रेमलता बड़ोदिया, शर्मीली यादव, निर्मला यादव, रेखा यादव एवं नीतू चौहान मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारत विभाजन के समय मारे गए लाखों करोड़ों हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करेंगे। उन्होंने यहाँ पर भारत माता की आरती के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। 15 अगस्त पर हमारे जो लाखों करोड़ों हिंदू मारे गए थे उनके लिए श्राद्ध संकल्प लिया है हम लोगों ने आज, और यहाँ बड़ी संख्या में मातृशक्ति और भाई साहब लोग एकत्रित है। हम सभी ने मिलकर आज भारत माता की आरती की। संकल्प लेने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब विभाजन हुआ था उस समय लाखों करोड़ों हिंदुओं को असामयिक मौत कर मारे गए थे। हमारे दादा श्री एकलव सिंह जी गोड़ और भाभी माँ ने इस चीज़ को समझा कि हमारे हिंदू रीति रिवाजों में अगर किसी भी अगर कोई मरता है तो उसके मोक्ष के लिए हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से तर्पण होना जरूरी है। उसी को संकल्प लेते हुए हमारे विधानसभा चार और जितने भी हिंद रक्षक के एक एक जहाँ भी हमारा जो संगठन सक्रिय है वहाँ पर हमने इस तरह के आयोजन करें और वहाँ पर लोगों को संकल्प दिलाया है कि आने वाली सर्वपित्र अमावस्या के दिन हम जो घर में श्राद्ध करते हैं उसी में ही जो हमारे असामयिक मृत्यु के काल के ग्रास बने उन हिंदुओं का सभी का हम श्राद्ध के रूप में तर्पण करेंगे और भारत माता की आरती करके हमारे सभी हिंदू समाज को एकत्रीकरण का हम कार्य कर रहे हैं।